ये रहा पार्क रहा बाइक यार पार्क किए और रास्ते की कार से निकल रहे। ये फोर्ट है यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। रूम देखने तो जाने वाला था लेकिन कुछ आप काम आ गए, जो नोएडा से पार्सल भेजा था वो आज रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उनका मैसेज तो नहीं आया लेकिन मैंने ट्रैक किया तो वो वहाँ पर पता चला, तो अभी जाके वो कलेक्ट करेंगे। अभी पहुँचा हूँ मैं पुणे मेट्रो स्टेशन, यहाँ से फिर जाएंगे अभी रेलवे स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से जाके पार्सल पिकअप करेंगे। चलो फिर मिलते। तो अभी हम पहुँचे पुणे जंक्शन पे, यहाँ पे पार्सल आने वाला था। जैसे कि मैसेज में देखा था मैंने तो दो नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरा था, लेकिन शायद से कल रात से आई थी ट्रेन, तो अभी पार्सल ऑफिस जाके वो कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी पार्सल ऑफिस के लिए निकल गया, देखते हैं। तो यहाँ रहा, ये रहा पार्सल ऑफिस, अभी अंदर जाके चेक करना पड़ेगा एक बार। यहाँ पे आया था तो यहाँ पे जो है आधार कार्ड भी एक जेरोक्स सबमिट करनी पड़ती है, तो मेरे पास नहीं था तो जेरोक्स निकालिए, अभी सबमिट करूँगा। वहाँ पे बोरी भी ढूंढनी पड़ी मुझे, जो पार्सल था वो भी मिल गया क्योंकि नंबर नाम वगैरह डाला था वहाँ पर, तो अभी कलेक्ट करके यहाँ से निकलते थे। हालत ख़राब हो गई भाई। जो पार्सल से निकला था मैं, वहाँ पे कोई पुली वगैरह नहीं था, तो उसकी वजह से जो मेरी बोरी थी वो मुझे खुद यहाँ से लेके आने पड़ी। मैं सबसे मेट्रो नज़दीक ही, तो खींचते खींचते तो लेकर आए, अभी तो उसकी टिकट निकालना बाकी है यहाँ पर, तो टिकट निकाल के निकलेंगे। अभी वनस कॉर्नर तक जाएंगे और फिर वहाँ से जो धीरज है उसकी रूम नज़दीक है, तो वहाँ से फिर ऑटो या कुछ करना पड़ेगा। और ये रही बोरी 30 किलो की। तो अभी मेट्रो के नीचे पहुँचाऊँ, सामान वगैरह ये सब उतार लिया है यहाँ पर, और दोस्त को कॉल किया था मैंने धीरज को, तो वो आ रहा है बाइक लेके, तो बोरी तो चली जाएंगी बाइक पे, इसलिए फिर उसका वेट कर रहा हूँ मैं। पूरी हालत ख़राब हो गई भाई, पूरा पसीना पसीना हो गया अब तो, मतलब जो ये ग्रिप है ना पूरा दुख रहा है ये सब। तो बोल रहा था मैं, वो तो वो भी आया और उसको उसको भी लेके आया, ये तीन बोरी एक स्कूटी पे डालूँगा, ये वाली स्कूटी पे, और बाकी दो बोरियाँ इस पे लेके जाऊँगा मैं अभी, तो देखते हैं अभी रूम पे जाके मिलते हैं। थैंक यू पुणे मेट्रो। अगर मेट्रो नहीं होती तो लिटरली मुझे पूरा कैब वगैरह करके आना पड़ता, और वहाँ से तो बहुत ज़्यादा लग ही जाते। और मेरा प्लान ये था कि वनस पे आने के बाद फिर कैब वगैरह कुछ करूँगा या फिर ऑटो करूँगा और फिर रूम पे पहुँचूँगा, लेकिन धीरज को कॉल किया वो तो वो खुद भी आ गए, और वो पार्टनर है उसका हितेश उसको भी लेके आ गया, तो एक बोरी तो उस पर डाल दी, अभी दो बोरी यहाँ पर रखी है और निकल गए हम अभी। तो अभी फ्लैट के नीचे पहुँच गया मैं, ये अपार्टमेंट है इसका, तो यहाँ से अभी बोरी उठा के ऊपर जाएंगे, तो देखते हैं अभी पॉसिबल हुआ तो फ्लैट देखने जाएंगे, नहीं तो देखते थे फिर मिलते हैं। रूम पे बैठे थे, खाना खा रहे थे, अक्षय का और राहुल का फ़ोन आया और सडनली प्लान बना है अभी जा रहे अलीबाग, तो देखते हैं अभी उनको मिलते हैं। पहले यहाँ से धीरज बाइक लेके जा रहे हैं हम, वो पार्क करेंगे अक्षय के फ्लैट पे, उससे पहले राहुल को उठाना है और फिर वहाँ पे जाएंगे, अक्षय की कार है फिर उससे निकलेंगे आगे। सोड लगा वही नहीं सोड लग नक्की कलो पुनः आलस कर साग अक्षय पाटील घरी आलेलो आहोत आणि अक्षय पण निघालाय आता विथ परमिशन। बोमलाल काय तर कसं वाटतं अक्षय, गोव्याला जायचं कुठं जायचं मग आता का पे जाणे काय रस्ता जिधर लेके जाएंगे उधर जाएंगे अभी। चलो तो धीरज की बाइक यहाँ पे पार्क किए और अक्षय की कार से निकल रहे, और ये अभी कार निकालेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से जल्दी फटाफट से। अभी गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति राजा। तो अभी निकल रहे यहाँ से, चलो अभी आगे बताता हूँ मैं कहाँ पे जाने वाले, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है। कोकण का प्लान तो है लेकिन कोकण में कहाँ जाना है ये देखेंगे अभी डिसाइड करके। तो अभी प्लान ये हुआ है कि जा रहे काशिद बीच, अभी बजे 7:15, तो यहाँ से निकले, होटल का वगैरह कुछ प्री बुकिंग तो नहीं किया है,
लेकिन देख लेंगे अभी, वैसे भी प्री प्लान करके कहाँ निकले, तो देखते हैं वहाँ पे जाके कोई होटल वगैरह देख लेंगे और चेक इन कर लेंगे। फिर कल सुबह काशिद बीच वगैरह घूमेंगे और रेवदंडा भी है नज़दीक, तो वहाँ पे एक फोर्ट भी है वो भी देखेंगे। तो चलो अभी रुके थे, एक हॉल्ट लिया था, नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत किया है हल्का फुल्का, तो निकलते अभी यहाँ से, मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों अभी बजे सुबह 8 और हम निकले बीच के लिए, सुबह थोड़ा लेट हो गया उठते, तो अभी जाके ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है, फिर बाद में देखेंगे। अभी वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है, तो वो भी देखेंगे अभी क्या होता है क्या नहीं। ये रहा बीच। ये धीरज है, ये राहुल है, ये अक्षय है, ये हमारे पोहे है, और यहाँ पे हमारी पोहे की पार्टी चल रही है। कैसे पोहे अक्षय? तो अभी होटल से चेकआउट किया है और निकल रहे हैं रेवदंडा फोर्ट के लिए, और अभी देखते हैं आगे, खाना भी खाना बहुत चाहिए। और ये था हमारा होटल कल का, जहाँ पर हम रुके थे ऊपर वाले रूम पे। चलो निकल रहे, तो अभी रेवदंडा जाने के लिए तो निकले थे, लेकिन रास्ते में एक व्यू पॉइंट मिला है तो वहीं पे रुके। अभी यहाँ पर देखते चाय वगैरह कुछ लेते और आगे निकलते, फिर यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ। सही है, तो अभी पहुँचे हम रेवदंडा फोर्ट के लिए, यहाँ पे आए अभी, गाड़ी वगैरह पार्क किया है, खाने का भी ऑर्डर दे दिया उनको, खाना रेडी होने में आधा घंटा लगेगा लगभग, तब तक यहाँ पे एक फोर्ट है रेवदंडा फोर्ट, अभी वो देखने जा रहे हैं हम। और ये होने के बाद फिर खाना वगैरह खा के निकलने का प्लान है यहाँ से सीधा। ये कोकन की खासियत है, कटहल आम इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पर, इसलिए कोकन मुझे पसंद है कि मतलब यहाँ पर ऐसा है ना कि पूरा नेचर है सब, ना इंडस्ट्रियल एरिया है ना कुछ है, यहाँ पे आके आप मतलब एकदम सुकून से रह सकते हो, पूरा नेचर के साथ रह सकते हो। पेड़ वगैरह इतने सारे हैं यहाँ पे, नारियल के पेड़ है, कटहल के पेड़ मिलेंगे आपको जैसे मैंने अभी दिखाया, उसके बाद आम के बगीचे है, इतना सही है यहाँ पे, मतलब आराम से आओ, दो तीन दिन सुकून से निकालो तो पूरा माइंड एकदम फ्रेश होकर निकलोगे आप यहाँ से। ये फोर्ट है आगे। अलीबाग शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर और मुंबई से 125 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव रेवदंडा एक खूबसूरत समुद्री तट और ऐतिहासिक पुर्तगाली समुद्री किले के साथ एक शांत स्थान है, जिसे रेवदंडा किले के रूप में जाना जाता है। रेवदंडा किला समुद्र तट के सामने एक किला था, जिसे 1558 में पुर्तगाली कप्तान सोज ने अपने व्यापारिक हितों की निगरानी के लिए बनवाया था। पुर्तगाली काल में इसे सेंटा मारिया डी कास्टेलो कहा जाता था, लेकिन स्थानीय लोग इसे यादव राजा बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर रेवदंडा कहते थे। आज रेवदंडा किले में जो कुछ भी बचा है वह ताड़ और सुपारी के पेड़ और एक जीर्ण शीर्ण मंजिल की संरचना है। तो ये था दोस्तों रेवदंडा फोर्ट, और ये प्री वेडिंग के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे कपल्स आते हैं प्री वेडिंग के लिए। तो ये रेवदंडा जो फोर्ट है यहाँ पे एंट्री तो फ्री है, और अगर आप नज़दीक कहीं पे आ रहे हो, काशिद बीच या नागाव बीच, तो अलीबाग आसपास कहीं आ रहे हो तो ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। ज़्यादा कुछ ट्रेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, आप गाड़ी भी यहाँ तक ला सकते हो, और उसके बाद में फिर उतर के ये चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे भी। सही है, अभी कहाँ जा रहे हैं हम धीरज? अभी हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे एक अच्छा सा व्यू आएगा यहाँ से समुद्र का, यहाँ से बीच भी अच्छे से दिखता है वहाँ पे, देखते हैं। ये धीरज बहुत बार आ चुका है यहाँ पे, और अक्षय भी आया था शायद। एक्चुअली मेरा सेकंड होम टाउन है यहाँ पे, हमारा एक विला है।
ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। तो ये धीरज जो था पहले ट्रेक ट्रैवल्स अरेंज करता था, अभी भी करता है, तो इस वजह से इसका कोकन वगैरह इस साइड बहुत आना जाना हुआ है। और हम्पी साइड भी बहुत बार टूर्स वगैरह लेके गया था वो, पुणे में भी नज़दीक ट्रैकिंग वगैरह जितने भी है वो साइड के भी उसके लगभग सब हो चुके हैं, और मतलब मालूम भी उसके इन्फॉर्मेशन भी है बहुत सारी वहाँ की। आपको भी अगर कभी जाना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उससे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो आप, या उसको DM कर सकते हो इंस्टा पर, उसका भी ID मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, चेकआउट कर सकते हो आप। तो हम जहाँ पे जा रहे थे ये व्यू रहा वहाँ का, सही है प्लेस ये भी। ये रेवदंडा जो फोर्ट है उसके बाहर की साइड है ये, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए आपको थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, और ये सामने बीच है ऐसा। यहाँ पर मस्त है लोकेशन, आप जब आओगे तो सीधा बस अंदर देख के मत जाना, यहाँ पे भी आ सकते हो आप, साइड में बीच वगैरह है यहाँ पे, थोड़ा बहुत टाइम आराम से स्पेंड कर सकते हो आप अच्छे से। और फोटोजेनिक प्लेस है, इतने सारे प्री वेडिंग शूट होते हैं यहाँ पर, मेरे भी एक दो दोस्तों ने यहीं पर की थी प्री वेडिंग शूट, तो मतलब फेमस स्पॉट है ये, आप चेकआउट कर सकते हो जब भी आओगे आप। तो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है वीकेंड्स पे, या कभी भी आओगे आप तो ये टेंट वगैरह ऐसा है, यहाँ पे आ सकते हो आप और स्टे कर सकते हो। DJ वगैरह भी रहता है इनका, ब्रेकफास्ट खाना वगैरह सब इसी में इंक्लूड रहता है। ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होता है शायद से, ये धीरज को मालूम है। धीरज कैसा है यहाँ पे, क्या सीन है, चार्जेस वगैरह कितना रहता है यहाँ पे? अच्छा, तो 1500 के अराउंड यहाँ पे चार्जेस रहते हैं कुकिंग के, तो आप जब भी आओगे तो देख सकते हो, यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो आराम से, एकदम शांत माहौल है, आराम से नेचर के साथ रह सकते हो आप, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये बाकी का फोर्ट वगैरह भी देख सकते हो, फोर्ट मतलब बस एक ही जगह है, वो छोटी सी जगह है, बस वहाँ पे घूम के निकल सकते हो आप। तो देखते हैं आगे, अभी शायद से खाना तैयार हो गया होगा, क्योंकि आधा घंटे से ऊपर हो गया हम घूम रहे, अभी जाके देखते हैं क्या है क्या है। ये भी एक कैंप साइट है यहाँ पर, जस्ट ओवरलुक दिखा था मैं एक बार आपको, ये ऐसा रहता है यहाँ पर, ये शायद से खाना वगैरह बनेगा ना, ये शायद से किचन है यहाँ पर, और ये टेंट वगैरह है आस पास, सब देख सकते हो आप यहाँ पर। सही है, ये भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे घर होते हैं कोकन में, मतलब कोलारू बोलते हैं इसको, और अंदर से ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं, लेकिन यही से देख लो आप एक बार। बचपन में हमारे स्कूल के बुक जो होते हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह रहते थे इसके ऊपर, कि कोकन के घर ऐसे, ये मतलब स्टोरी वगैरह बहुत सारी रहती थी उस पर, उसके ऊपर। तो मतलब अंदर ऐसा रहता है ना यहाँ पर कि गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, और बारिश भी उतनी ही ज़्यादा रहती है यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये कवलरों के घर बनाते हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये होता है कि बारिश भी आती है तो बाहर से बाहर निकल जाती है वो ऊपर के ऊपर ही, अंदर पानी वगैरह नहीं आता है, और अंदर का माहौल भी जो है, मतलब एटमॉस्फेयर भी जो है वो थोड़ा ठंड रहता है गर्मी में, तो इस वजह से यहाँ पे कॉलर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं ये घर पे। तो खाना वगैरह खा लिया है अभी, अभी निकल रही है यहाँ से। खाना तो बहुत सही था, पनीर की भाजी भी सही थी, और इन्होंने भी मंगाया था कुछ, वो भी सही था। तो गर्मी तो बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए अभी AC फुल करके सीधा पुणे निकलना है अभी, क्योंकि राहुल को भी लेट हो रहा है बहुत, और गर्मी भी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी। तो अभी देखते हैं आगे, CNG भी भरवाना है, तो अभी मिलते हैं सीधा पुणे में। तो फाइनली अभी पहुंच गए हम पुणे वाले, तो यहाँ पे अक्षय ने ड्रॉप किया धीरज की, और मैं धीरज की बाइक जो यहाँ पे पार्क की थी, अभी वो लेके निकलेंगे, बारिश का भी अंदाज दिख रहा है तो जल्दी से निकलना पड़ेगा, रास्ते में राहुल को भी ड्रॉप करना है। तो चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, मज़ा आया ट्रिप में, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रिप कब करनी है अभी। चलो फिर मिलते हैं अभी, चलो फिर मिलते हैं अभी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।
Thanks for watching the video. Don't forget to hit like, share, and subscribe.